नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का मार्केट बैग बनाना बताऊंगी और इसको मैंने 27 चेन से स्टार्ट किया है। तो अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो तो आप यहां से ज्यादा चेन से इसको स्टार्ट कीजिए। और ये बहुत ही आसान मेथड से तरीके से मैंने ये आपको बनाना मैं बताऊंगी आपको। अगर आप क्रोशे में नए हो तब भी आप इसे बना सकते हो। और बेसिकली इसमें मैंने यहां से इसको स्टार्ट किया हुआ है और मैंने हाफ डबल क्रोशे से इसको स्टार्ट किया है। और यहां पे मैंने इसकी तीन रो बनाई हुई है। इस तरह से हमारी घूम के आएंगी तो ये सिक्स रो हो जाएंगी हमारे पास, तीन इस तरफ आएंगी। और यहां से बीच में मैंने इसके जाली बनाई हुई है, इस तरह से हमारी जाली आएगी। और जाली की मैंने यहाँ पे 30 रो बनाई हुई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 रो हाफ डबल क्रोशे से बनाई है। फिर से हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाया है और फिर हमने लास्ट में ये वाला ऊपर इस तरह से जैसे हम ऐसे पकड़ते हैं ये वाला पार्ट बनाया है। और ऊपर फिर से मैंने 2 रो जो है वो हाफ डबल क्रोशे से बनाई है। और मैंने यहां तक जब तक इसको बढ़ाया है तो ये मेरे पास यहाँ पे 3 रो में मेरे पास 66 डबल हाफ डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो बीच में जब मैं जाली बनाऊंगी तो ऊपर जाके जब मैं हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे हम फिर से बनाएंगे तो ये हमारे पास फिर से 66 हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने ऊपर जाके इसको डिवाइड किया है और फिर ये वाला पार्ट बनाया है। तो इसको हम बहुत सारे डिजाइन में बना सकते हैं मगर ये बहुत ही आसान सा मेथड है इसको बनाने का। तो चलिए आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे 27 चेन से इसको स्टार्ट किया है। तो अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो बैग को तो आप यहाँ पे चेन ज्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 चेन यहाँ पे स्किप करूंगी, बल लूंगी क्योंकि हमने हाफ डबल क्रोशे से इसको स्टार्ट करना है। तो हम नेक्स्ट चेन में जो हमारी दूसरी चेन होगी वहां पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये इसी चेन में हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैंने एक ही चेन में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया और फिर उसके बाद हमने हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो मैंने यहाँ पे 27 चेन ली तो मेरी फर्स्ट चेन मैंने स्किप की और मेरे पास यहाँ पे 26 जो चेन आया वहां पे हमने 3 बार बनाया। तो लास्ट की जो चेन आएगी हमारे पास वहां पे भी हम 3 बार बनाएंगे। तो बीच में हमारे पास यहाँ पे 24 हाफ डबल क्रोशे इस तरफ आएंगे और 20 हाफ डबल क्रोशे इस तरफ आएंगे। और फर्स्ट में और लास्ट में दोनों चेन में हमारे पास 3-3 हाफ डबल क्रोशे आएंगे। तो अभी आपने लास्ट तक ऐसे ही बना लेना है और जो हमारी बिल्कुल लास्ट की चेन होगी वहां पे हम 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो अभी आपने हर एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 24 यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो अभी हम लास्ट में आ गए, हमारे पास यहाँ पे लास्ट में एक चेन है तो वहां पे हमने 3 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया एक ही चेन में। तो हम यहाँ पे 3 बार बनाएंगे। और उसके बाद हमने जो 24 इस तरफ हमने हाफ डबल क्रोशे किए हैं उनके आगे हमने फिर से 24 टाइम बनाना है। तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे है हम पहले यहाँ पे बनाएंगे इस प्रकार से। हर एक जो हमारा हाफ डबल क्रोशे का चेन है दूसरी तरफ से वहां पे हमने बनाते हुए जाना है एक एक बार हाफ डबल क्रोशे। और इसी प्रकार से हमने लास्ट तक बना लेना है यहां तक। तो मैंने यहां तक बना लिया है। अभी हम जो हमारे इस तरफ से हमने यहाँ पे एक ही चेन में 3 बार बनाया था जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है हमने वहां पे इस प्रकार से स्लिप स्टिच बनाना है और इसको आपस में ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास 54 हाफ डबल क्रोशे आ जाएंगे इस रो में। तो अभी हमने यहाँ से सेकंड रो को बनाना स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, बल लेंगे और जहां पे हमने इसको ज्वाइन किया है चेन लिया है वहीं पे हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे करना है, एक बार और ये दूसरी बार। तो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हमने हाफ डबल क्रोशे किया है और उसकी जो हमारे पास चेन है वहां पे हम मार्क कर लेंगे
और हमने जब सेकंड रो में इसको ज्वाइन करना है तो हमने इसी चेन में करना है ताकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चेन यहाँ पे ना हो और सही हमारा जो पैटर्न आए। अभी हमने जो तीन बार यहाँ पे हमारे पास तीन चेन थी, एक ही चेन में हमने तीन बार हाफ डबल क्रोशिया किया और हमारे पास यहाँ पे तीन ऊपर चेन आ गई हैं। तो अभी हमने उन तीन हाफ डबल क्रोशिये में हर एक में दो दो बार बनाना है, तो हमारे पास ये सिक्स हो जाएंगे। तो अभी हमने सेकंड जो हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया है वहां पे हम दो बार बनाएंगे, तो ये मैंने दूसरी बार बनाया सेम प्लेस पे। और फिर जो हमारे पास थर्ड हाफ डबल क्रोशिया है हम वहां पे बनाएंगे, तो यहाँ पे भी मैंने दो बार बनाया। तो इस प्रकार से हमारे पास जो तीन यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिये थे उनके ऊपर हमने दो दो बार बनाया एक में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डबल क्रोशिये हाफ डबल क्रोशिये हैं वहां पे हमने एक एक बार बनाना है। तो बाकी हम हर एक चेन में, हर एक हाफ डबल क्रोशिये की चेन में एक एक बार बनाएंगे और लास्ट में भी हमने ऐसे ही बनाना है। इस रो में जो हमारे पास यहाँ पे तीन यहाँ पे हमने एक ही चेन में हाफ डबल क्रोशिया किया है, उन तीन हाफ डबल क्रोशिये के ऊपर हमने हर एक एक डबल क्रोशिये के ऊपर हमने दो दो बार बनाना है, तो ये हमारे पास सिक्स यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिये आएंगी। और फिर से हमने हर एक चेन के इस तरफ बनाते हुए जाना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिये का चेन है वहां पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। तो मैंने सेकेंड रो कम्प्लीट कर ली है, अभी हम हमारी थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे वन चेन लेना है और हमारे पास यहाँ पे सिक्स अभी हाफ डबल क्रोशिये हो गए हैं। तो अभी हमने जो हमारे पास यहाँ पे सिक्स हाफ डबल क्रोशिये हैं थ्री के ऊपर हमने बढ़ाना है और थ्री को हमने वन टाइम ही बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, वन हमने चेन दिया हुआ है बल लेंगे और यहीं पर हमने दो बार बनाना है। इसी जो हमारा यही हाफ डबल क्रोशिया हम यहाँ पे टू टाइम बनाएंगे, यहाँ पे हमने वन चेन लिया तो ये हमने यहाँ पे टू टाइम बनाया। और अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास चेन है वहां पे हम एक बार बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बार हाफ डबल क्रोशिया बढ़ गया है और यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही बार बनाया है। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है उसको हम मार्क कर लेंगे। और फिर से जो हमारी यहाँ पे थर्ड चेन है वहां पे हमने फिर से दो बार बनाना है एक ही चेन में हाफ डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में वन टाइम, और फिर से हम यहाँ पे इसके आगे फिर से हम यहाँ पे टू टाइम बनाएंगे। इसमें हमने वन टाइम बनाया और यहाँ पे हम फिर से टू टाइम बनाएंगे। तो ये हमारे पास तीन यहाँ पे थ्री यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिये हमारे पास यहाँ पे बढ़ गए हैं। और जो बाकी हमारे पास यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिये हैं उनके ऊपर हमने एक एक बार ही बनाना है उसी प्रकार से। और इसी प्रकार से बनाते हुए हमने यहाँ तक, यहाँ पे भी जो हमारे पास सिक्स यहाँ पे हमारे पास हाफ डबल क्रोशिये हैं, तो जो हमारा फर्स्ट, देखिए यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिये है इसको हमने टू टाइम बनाना है एक ही चेन में, और फिर एक बार बनाएंगे हम, फिर टू टाइम बनाएंगे, फिर वन टाइम, फिर टू, फिर वन। तो इस तरह से हमने ये वाली रो कम्प्लीट करनी है। और यहाँ पे आके हमने जहां पे हमने मार्क किया हुआ है वहां पे हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। तो मैंने ये थ्री रो कंप्लीट कर ली है जो मेरे बैक का नीचे का पार्ट आया है जहां से हमने स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट रो में मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये 54 यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिये हो गए थे, और फिर हमने 27 से इसको स्टार्ट किया था और 54 हो गए इंक्रीज हो गए। और सेकंड रो में ये हमारे पास 60 हो गए, और यहाँ पे लास्ट रो में थर्ड रो में मेरे पास 66 यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिये आए हैं। तो अभी हम हमारी यहाँ से नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जाली बनाएंगे। तो हमने एक चेन लेना है और यहीं पे यहां से हमने स्टार्ट किया है, यहीं से हमने हाफ डबल सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसके ऊपर हमने एक दो और तीन चेन लेना है और इसमें हमने एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम तीन चेन लेंगे और एक चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने ये
पूरा राउंड कंप्लीट करना, एक चेन छोड़ देना है और नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमारी जाली बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपने पूरा रो इसी प्रकार से यहां तक बनानी है। तो देखिए मैंने ये वाली जाली जो है लास्ट तक बना ली और मेरे पास यहाँ पे वन चेन है। तो अभी हम इसको स्किप कर देंगे और हमने जो हमारे पास यहाँ पे लूप है, आपने जब भी ये आप जाली बनाओगे यहाँ पे ऐसे ही बनाना है। तो जो हमारे पास यहाँ पे जाली है वहां पे हमने ऐसे स्लिप स्टिच बनाना है और इसको ज्वाइन करना है और यहाँ पे हमने वन चेन लेना है। इस प्रकार से एक चेन लेंगे और इसी हमने लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। वन टाइम हमने सिंगल क्रोशिया किया तो फिर यहां से हमारी सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। एक दो और तीन हम यहाँ पे चेन लेंगे और जो हमारे पास लूप है उसके बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बीच में फिर से तीन चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आपने मैंने ये 30 रो बनाई हुई है जाली की। तो आप अगर बड़ा बना रहे हो बैग तो आप इसमें ज्यादा रो अपने हिसाब से रख सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से हमारी जाली बनती हुई जाएगी और इसके आगे आपने ये जाली की रो बनानी है जितनी आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो। तो देखिए यहां से स्टार्ट करके मैंने 30 रो यहाँ पे इस तरह जाली की बना ली है। ये इस तरह से मेरी रो आई है और अभी हम ये इस बैग का ऊपर का पार्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशे की टू लाइन बनानी है। तो हम यहाँ पे चेन वन लेंगे और हमने बल लेना है और जहां पे हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी वहीं पे हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक तो हमने सिंगल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और एक जो हमारे पास यहाँ पे लूप है। फिर से देखिए हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया है वहां पे हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं और एक हमने लूप में बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे और एक हम लूप में बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया की रो स्टार्ट करनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारे पास 66 फिर से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे जैसे कि यहाँ तक हमने बढ़ाए थे। तो हमारे पास यहाँ पे 66 हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो हमने एक तो ये वाली रो इस तरह से कंप्लीट करनी है और एक इसके ऊपर हम और रो बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया से। तो हमने यहाँ पे टू रो बनानी है हाफ डबल क्रोशिया से। तो देखिए मैंने यहाँ पे टू रो बना लिए हाफ डबल क्रोशिया की और मैंने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ज्वाइन यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ तक मैंने बनाया यहाँ पे। तो आपने पहले इसको यहाँ से नीचे से ऐसे बिल्कुल सही करके फिर आपने ऊपर से मार्क लगाना है। तो मैंने यहाँ से काउंट किए, यहाँ तक मैंने मार्क लगाया। तो मेरे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि 66 हाफ डबल क्रोशिए हैं तो उसका मैंने हाफ किया, मेरे पास 33 हो गए। तो 33 के हिसाब से मैंने इसका ऊपर का पार्ट बनाया इतना और इस तरफ भी। तो मैंने यहाँ पे 19 जो मेरे पास यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिए हैं यहां से लेकर यहां तक मेरे पास ये 19 हाफ डबल क्रोशिए हैं जिसको मैंने बनाना है हाफ के ऊपर हाफ और उसके बाद मैंने यहां तक मार्क लगाया हुआ है। फिर मैंने 14 हाफ डबल क्रोशिए यहां पे स्किप करने हैं और इसके ऊपर 14 चेन लेना है, बनाना नहीं है। चेन लेके सीधा हमने यहां पे ज्वाइन करना है और अगेन हमने यहां पे मैंने जो है 19 हाफ डबल क्रोशिए उनको बनाना है और फिर मैंने यहां पे 14 जो हाफ डबल क्रोशिए हैं स्किप करने हैं और 14 चेन लेके सीधा यहां पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। तो आपने इसी प्रकार से इसको मार्क कर लेना है। तो देखिए मैंने यहां से स्टार्ट करके हाफ डबल क्रोशिए 19 हाफ डबल क्रोशिए मैंने यहां तक बना लिए हैं और यहां पे मेरा मार्क मैंने लगाया था और अभी हमने यहां से इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो हमने यहाँ पे 14 इस प्रकार से चेन लेना है और यहां से लेकर यहां तक हमने 14 हाफ डबल क्रोशिए हमने यहाँ पे छोड़ देने हैं। तो यहाँ पे जहां पे हमने मार्क लगाया हुआ है इस चेन पे आके हमने हाफ डबल क्रोशिए से इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो यहीं से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे
यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से हमारे पास देखिए 19 यहाँ पे इस प्रकार से आगे के जो हमारे पास यहाँ पे 19 हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं, 19 हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस प्रकार से हमारा ये वाला चेन का पार्ट आएगा। 14 हमने चेन ली है और 14 ही हमने स्किप की है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 19 जो हाफ डबल क्रोशिए हैं इसके बाद मैंने बना लिए और उसके ऊपर मैंने फिर से यहाँ पे 14 चेन लिया हुआ है और अभी हमने यहाँ पे मार्क लगाया था, 14 हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना यहाँ पे, तो वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिए है उसमें जाके हमने इसे स्लिप स्टिच करना है और आपस में ज्वाइन कर देना है। 1 चेन लेना है और हर एक के ऊपर हमने चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है और जो हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने हर एक चेन के ऊपर हमने चेन के बीच में इस तरह से बीच में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हम 2 रो बनाएंगे इसके ऊपर, 1 और 2 रो जो हमारी है हाफ डबल क्रोशिया की आएंगी। हर एक चेन में हमने एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हाफ डबल क्रोशिया से और यहाँ तक बनाया और अभी हमने यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वाला हाफ डबल क्रोशिया है इसकी जो ये चेन है यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 14 चेन ली हैं तो हमने हर एक चेन के इस तरह से बीच में बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से नहीं बनाना है, आपने इस तरह से बनाइए हाफ डबल क्रोशिया। और इसी प्रकार से जो हमारे दूसरी तरफ है यहाँ पे भी इसी प्रकार से हम बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारी पट्टी बननी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो देखिए ये इस प्रकार से हमारी ऊपर की पट्टी आई है, इस तरह से ये हमारा ऊपर का पार्ट आया है और अभी हमने एक रो इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिए की बनानी है। जो हमारी ये वाला पार्ट है हर एक चेन के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिए बनाते हुए जाना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे 2 रो बना ली हैं और इस तरह से ये मेरे बैग का ऊपर का हिस्सा आया है। तो आप इसे बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।